हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारतीय कला और संस्कृति के बारे में, जो कि एक नंबर के लिए आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं ये पेपर में आपको हर बार पूछा जाता है कि भारतीय कला और संस्कृति के बारे में एक क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना लेट के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। इसका आंसर बताइएगा, आंसर क्या हो जाएगा कि राउत नाच किस प्रदेश की आदिवासी समुदाय का नृत्य है। तो आंसर होगा आपका असम। सी इज द करेक्ट आंसर, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। नहीं पूछा गया है कि भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कालबेलिया, जो कि राजस्थान के जो सफेरे वाले होते हैं उनको कालबेलिया कहा जाता है। तो राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या आम की प्रजाति नहीं है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या आम की प्रजाति नहीं है। तो आंसर होगा, देखिए बंगल पल्ले होता है यहाँ पे, सिंदूरा होता है, लाल केला होता है, अल्फोंसा। ठीक है, अल्फोंसा नहीं होता है। तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है। सतीपति संप्रदाय कहाँ का आदिवासी समुदाय है। आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ए इज द करेक्ट आंसर, गुजरात ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे पूछा गया है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला धर्म, तो देखिए यहाँ पे आपका हिंदू धर्म सबसे ज्यादा है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे, बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर, बी इज द करेक्ट आंसर, जहांगीर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया। तो आंसर हो जाएगा आपका अकबर ने करवाया था। ए इज द राइट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम में पल्लव के पांच एक चट्टानी में से सबसे बड़ा किसका है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका अर्जुन, अर्जुन बी इज द करेक्ट आंसर, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से महायान बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं। बुद्ध है, बताइए कौन से भविष्य के बुद्ध हैं। तो आंसर होगा क्रकुचंद, क्रकुचंद हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्हण की रास तरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई। कल्लन की रास तरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई। तो आंसर हो जाएगा आपकी 10वीं शताब्दी में हुई थी। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है। तो आंसर हो जाएगा आपका पट्टू। ठीक है, पट्टू, ठीक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, पट्टू पट्टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के पैगोड़ा किसके द्वारा बनवाए गए थे। महाबलीपुरम के पैगोड़ा किसके द्वारा बनवाए गए थे। तो आंसर हो जाएगा आपका पल्लव के द्वारा बनवाए गए थे, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है। आंसर हो जाएगा नटराज, बी इज द करेक्ट आंसर, नटराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन से मंदिर में पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है। पंचायतन तरीके का सबसे पुराना उदाहरण है। आंसर हो जाएगा पठारी का मंदिर, पठारी का मंदिर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया। मस्जिद बनाने में कौन सी भारतीय कला का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे आपका कलश का प्रयोग किया गया और अलंकरण का। तो राइट आंसर होगा कलश, सेकेंड और थर्ड, सी इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे। निम्नलिखित में से कौन से संत मोची का कार्य करते थे, जो कि चप्पल जूता जो आपके सिलते हैं उनको क्या बोला जाता है, मोची बोला जाता है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हनुख नामक प्रकाश का महोत्सव किस धर्म से संबंधित है।
आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे यहूदी धर्म से संबंधित, यहूदी धर्म सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध नाभा कलेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? प्रसिद्ध नाभा कलेवर त्योहार किस प्रदेश से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, बी इज द करेक्ट आंसर। महाराष्ट्र से संबंधित है नाभा कलेवर, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मथुर गांव जहाँ के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं किस प्रदेश में है? तो आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना, डी इज द राइट आंसर, तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के नृत्य के रूप है? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे बिहार, बी इज द राइट आंसर, बिहार, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की अधिकारी भाषा है? अधिकारी भाषा है, बताइएगा। भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की अधिकारी भाषा है? आंसर होगा मारिस और सिंगापुर, मारिस और सिंगापुर, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राग ज्योतिष किस राज्य का पुराना नाम है? प्राग ज्योति किस राज्य का पुराना नाम है? आंसर हो जाएगा आपका असम, ए सॉरी बी इज द राइट आंसर, असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? केरल में विशु नामक त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा फरवरी, बी इज द करेक्ट आंसर, फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी बी इज द राइट आंसर। ये आपके 23 क्वेश्चंस थे, कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी नॉलेजेबल।